यहाँ पे काफी सीगुल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। इसी रास्ते से जो लास्ट ब्रिटिशर थे वो गए हुए थे, मतलब यहाँ से गए हैं, मतलब ये आप एग्जिट बोल सकते हो। मॉर्निंग गाइस, तो आज आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ घूम रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं घूम रहा हूँ चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया में अभी फिलहाल मैं हूँ, यहाँ का आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे, हमारा प्लान है एलिफेंटा जाने का, जहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ से फेरी लेना पड़ता है। फेरी का जो चार्ज है वो पर्सन विथ रिटर्न 225 रुपीज़ चार्ज होता है पर पर्सन। तो हम यहाँ से फेरी लेंगे, उसके बाद एलिफेंटा जाएंगे और वहाँ पे उसका क्या टाइमिंग है और क्या है हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम देख रहे हैं हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, आप पीछे देख पा रहे हो, और दूसरे साइड मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ताज होटल है ये। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, और आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पे क्राउड कैसा है। और एक और चीज़, अगर आप घूम रहे हो तो मास्क के साथ रहो, मास्क लगा के रहो, क्योंकि आप मास्क नहीं लगाओगे तो ये आप दूसरों को हार्म करोगे और ख़ुद को तो हार्म करोगे ही। तो प्लीज़ मास्क पहने, और मास्क पहन के हम ही आप आगे बढ़ें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हम घूम सकते हैं। कुलावा पुलिस स्टेशन, आज मैं हूँ चर्च गेट में, ये हमारा गेट ऑफ इंडिया है। संडे का दिन है, इतना क्राउड नहीं है, बट ठीक है, संडे के दिन क्राउड जो रहेगा। अभी मॉर्निंग टाइम है, बज रहे हैं 10:20, तो शाम के समय अभी कुछ ज़्यादा ही क्राउड होता है। चलिए आगे देखते हैं समुंदर, देखते हैं समुंदर में क्या क्या है। कबूतर, ये मुंबई का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। व्हाइट कबूतर, गेटवे ऑफ इंडिया। ये समुंदर जो है मुंबई को कनेक्ट करता है।
एक्चुअल में कबूतर ने सीगुल है, ये भाई साहब कबूतर को दाना देते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। ताज होटल जो कि मुंबई की शान आप सुन सकते हैं, इंडिया की शान। यहाँ पे काफी सीगुल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। फेरी है, ये फेरी जो है दो जगह जाती है, एक आप जा सकते हो एलिफेंटा जा सकते हो, और दूसरी फेरी जो है अलीबाग के लिए भी आपको अगर आना है तो फेरी यहीं मिलता है। यह आपका ताज होटल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ से कुछ अच्छा व्यू आ रहा है, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप फोटो निकलवाना चाहते हैं तो फोटो भी निकलती है यहाँ पे, तुरंत ही फोटो मिल जाएगी आपको। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया में जाते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर जाने को मिलेगा या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट देखते हैं। लेट्स गो। आई डोंट थिंक सो अंदर जाने का ऑप्शन है, बट हाँ बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। समुंदर के रास्ते जो गेटवे ऑफ इंडिया, इसके बाद पूरा समुंदर है। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्या है एग्जैक्टली, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया, या सॉरी ये मराठी में लिखा हुआ है और दूसरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये 1924 में बिल्ट हुआ था। मैं आप किसको भी फोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, द लास्ट ब्रिटिश ट्रूप टू लीव इंडिया फॉलोइंग द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन द फर्स्ट बटालियन ऑफ द सोमरस लाइज इन्फेंट्री पास्ड थ्रू द गेटवे ऑन दियर वे आउट इन अ सर्वनी ऑन 28 फरवरी 1948। आइडली इसी रास्ते से जो लास्ट ब्रिटिशर थे वो गए हुए थे, मतलब यहाँ से गए हैं, मतलब ये आप एग्जिट बोल सकते हो। काफी बड़ा है, ये आप अंदर से व्यू देखिए, समुंदर का व्यू है। तो मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है 1948 में जब ही लास्ट जो ब्रिटिशर की बटालियन थी, जो भी लास्ट ब्रिटिशर थे वो गए हुए थे, इसी रास्ते से गए हुए थे, इसीलिए इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया रखा गया। तो देखते हैं आगे क्या है। ओके, एक फेरी आ रही है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये फेरी आई एम नॉट श्योर कहाँ से आ रही है, बिकॉज आप यहाँ से अलीबाग एलिफेंटा दोनों जगह जा सकते हैं, दोनों में से एक जगह कहीं से भी आती है।
अच्छा अभी मुझे पता चला ये जो फेरी है ये जाती है आपको अलीबाग, और वो जो बड़ी वाली फेरी मैंने आपको बताया वो जाती है एलिफेंटा। दोनों ही सेम नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा पुराने मॉडल में है और ये जो है थोड़ी सी बड़ी है, अच्छे से मैनेज्ड दिख रही है मुझे, सीट अवेलेबल है, इसमें भी सीट है लेकिन उतनी सीटें नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत सारी फेरीज दिख रही हैं। भाई इधर तो फेरीज की लाइन ही लाइन है। कुछ तो लिखा है उधर, आपको नहीं दिखेगा यहाँ से। अच्छा यहाँ से भी बोर्डिंग होती है फेरी के लिए। तो आज हम घूम रहे हैं चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने वैसे दिखाया आपको, यहाँ से आप फेरी ले सकते हो, आपको अलीबाग जाना है, एलिफेंटा जाना है, और यहाँ पे बहुत सारी फेरी है जैसे कि आपने देखा। यहाँ पे फोटोज अगर आपको निकलवाना है आप निकलवा सकते हो, 30 रुपीस में एक फोटो निकलता है, और ये विद इन 2 मिनट्स ये क्लेम करते हैं, आपको फोटो मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं बहुत से फोटोग्राफर यहाँ पे। गाइस इस वीडियो में मैं चर्च गेट में हूँ और यहाँ का मैंने कवर करने का ट्राई किया है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिफेंटा, हमारा प्लान है एलिफेंटा जाने का, वहाँ पे एलिफेंटा में क्या क्या हम करते हैं और क्या है वहाँ पे, वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये चर्च गेट का जो वीडियो है, गेटवे ऑफ इंडिया का वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।